हाय एवरीवन, वेलकम टू पूनम स्मार्ट किचन। अगर आप भी बदलना चाहते हैं अपने खाने का जायका, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडो चाइनीज सोया मंचूरियन की रेसिपी। खाने में यह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। इसका एक एक बाइट खाकर आपको भी मज़ा आ जाएगा और यह रेसिपी आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। आप चाहे तो इसे पार्टी स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हैं। यह चाइनीज फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 100 ग्राम सोयाबीन चंक्स। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी और थोड़ा सा नमक। अब इसे लगभग 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक छोड़ देंगे। अब यह सॉफ्ट हो चुका है। अब इसका सारा पानी निचोड़ कर इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और साथ ही 2 चम्मच मैदा। अब इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब हम इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने छोड़ देंगे। अब हाई हीट पर तलने के लिए तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए, तब हम इसमें एक एक करके इसे फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर तेल खूब गर्म होना चाहिए। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे ताकि यह हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हीट हमें मीडियम टू हाई ही रखना है। अब यह फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, स्वाद अनुसार हरी मिर्च। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज के टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा रेड कैप्सिकम और थोड़ा सा येलो कैप्सिकम। अब इसे लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसका क्रंचनेस बरकरार रखना है, इसलिए इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमेटो सॉस, 1 चम्मच सेजवन सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस और साथ ही 1 चम्मच विनेगर। अब हाई हीट पर इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब एक बोल में मैंने लिया है थोड़ा सा पानी। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे और अब इसे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए इसे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। यह बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ सोयाबीन चंक्स डाल देंगे। अब हाई हीट पर इसे मिलाते हुए बस 1-2 मिनट तक ही इसे पकाएंगे, नहीं तो यह ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यह पकते हुए कितनी डिलीशियस लग रही है और स्वाद में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। इसे मिक्स कर देते हैं। तो अब यह तैयार है
हीट ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, एकदम गर्मा गर्म सोया मंचूरियन बनकर खाने के लिए तैयार है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बस पूछिए ही मत। इसका एक एक बाइट खाकर आपको मजा आ जाएगा और आप जिसे भी इसे सर्व करेंगे उसे भी यह बहुत पसंद आएगी। तो आप भी कभी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एंजॉय माय रेसिपीज़।